Hello everyone, in this video we are going to learn chapter 9, traders, kings and pilgrims. Okay, let's start. How to find out about trade and traders? You read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. Okay, ये जो bowls and plates थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे गए, तो इनको traders ही ले गए होंगे, जहाँ पर बनता था वहाँ से लेकर के दूसरी जगहों पर बेचने के लिए. South India was famous for gold, spices, especially paper and precious stones. किसके लिए famous था? Spices, gold, कोलार की खान है ना कर्नाटक में, एंड पेपर काली मिर्च जो होती है, एंड प्रेशियस स्टोन्स. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज द ब्लैक गोल्ड. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट पेपर वॉज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवांस. देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड Coins have been found in South India. Okay, so these spices must have been carried through sea routes and through land route also. तो क्या होता था, जब ये सामान वहाँ पर बेचते थे तो वहाँ से इनको गोल्ड कॉइन्स मिलती थी, और ये गोल्ड कॉइन्स ढेर सारे साउथ इंडिया में पाई गई जो कि रोम की थी. तो इससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होता था. ओके, ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट. देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली. ओके, मानसून विंड क्या होती है? जब मानसून इंडिया में आता है तो अरेबियन सी से, इंडियन ओशियन से एक विंड जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बहती है, तो उसी के सहारे ये लोग जल्दी से इंडिया पहुंच जाया करते थे. सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका. ओके, सपोज ये आपका कहीं पे, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका है और ये आपका इंडियन कॉन्टिनेंट है, ऐसे ही कुछ मैप होता आप देखोगे, तो यहाँ से अगर इनको आना होता था तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता था वो इसी डायरेक्शन में चलता था. ओके, तो उसी के सहारे ही जल्दी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते थे. दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नीज न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. ओके, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. Almost the river valleys, that of the Kaveri, is the most fertile. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poems mention the Muvendar. Muvendar, this is a Tamil word meaning three chiefs, used for the heads of three ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas, who became powerful in South India around 2300 years ago. Okay, let's try to understand. Suppose this is your Indian subcontinent. आपको यहाँ से here Bengal यानी कोलकाता, here ऐसे करके यहाँ पर अरेबियन सी, ये गुजरात वाला एरिया हो गया. ओके, सो ये सारी कोस्ट लाइन थी आपकी. So rulers of here, these places, and there were some rivers like Kaveri, Krishna. So those who control the rivers used to have benefit. Okay, तो ये क्या करते थे, ये यहाँ पे भी इनका control होता था, river पे भी control होता था, तो trade पे इनका control होता था, जिससे इनको अच्छी खासी earning होती थी और ये rich और powerful हो गए. So there were three kingdoms, Cholas, Cheras and Pandyas. Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast of these six
cities. Two were very important, Puhar or Kaveripatnam, and Kaveripatnam the port of the Cholas and Madurai the capital of the Pandyas. तो Kaveripatnam किसके अंडर में था? Cholas के अंडर में था और Madurai किसके अंडर में था? Pandyas के अंदर. You must remember these two facts. The chiefs did not collect regular taxes. They इसके जो kings थे वो regular taxes नहीं लेते थे. वो as a gift उनसे चीज़ों को लेते थे और अपनी ज़रूरत में जो यूज़ होता था बाकी वो क्राफ्ट पर्सन, पोएट्स एंड ऐसे लोगों को जो है बांट दिया करते थे. अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहनास बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में सातवाहनास पावरफुल हुए. सो अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन विच डायरेक्शन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिड सातवाहनास रूल. कहाँ पे उन्होंने रूल किया? वेस्टर्न इंडिया में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास वाज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालश्री. सॉरी, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की माँ का क्या नाम था? गौतमी बालश्री. उसने इस एक इंस्क्रिप्शन लिखाया था जिसके बारे में हम सातवाहनास के बारे में हम उस इंस्क्रिप्शन से जान पाते हैं. ही एंड अदर सातवाहनास रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापद. दक्षिणापद मीन्स रोड्स लीडिंग टू साउथ, दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क, और इनको उसका लॉर्ड कहा जाता था. विच वॉज ऑल्सो यूज एज द नेम फॉर द इंटायर साउदर्न रीजन. ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट. द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. ओके, द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज. मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म स्पून विद थ्रेड एंड देन वुमेन इन टू क्लॉथ. आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है. कोकून जो होता है उससे रॉ सिल्क निकाला जाता है और उसको धागे में पिरोया, मतलब दो रॉ मटेरियल्स विल बी टर्न इन टू थ्रेड्स एंड विद दो थ्रेड्स क्लॉथ इज मेड. टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो. यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. 7000 ईयर्स अगो मीन्स अबाउट 5000 BC. इतना पहले सिल्क बनाना चाइना वाले जान गए थे, बट उन्होंने इसको छिपा करके रखा, किसी को बताया नहीं. और धीरे धीरे जब चाइना का ट्रेड होने लगा और दे सेंड देयर ट्रेडर्स टू वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो धीरे धीरे वहाँ से सिल्क बनाना सब लोग सीख पाए. बहुत बाद में, मीन्स अबाउट 1000 ईयर्स, मीन्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द मेकिंग ऑफ सिल्क 1000 ईयर्स लेटर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कुड नो हाउ टू मेक सिल्क. ओके, और सिल्क रूट क्या होता है? तो ये जो चाइनीज जो हुआ करते थे, ये ट्रेडर्स हॉर्स पे या ऐसे ही एनिमल पे सिल्क को रख करके बेचने जाया करते थे, ठीक है. और तो जिस रास्ते से जाते थे वो सिल्क रूट कहलाया. अबाउट 2000 ईयर्स अगो वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन एमंगस्ट रूलर इन द रिच पीपल इन द रोम. ठीक है, रोम उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, तो वहाँ सिल्क पहनना एक फैशन हो गया और इसलिए सिल्क बहुत महंगा बिकता था. देर वर सम अदर रीजन्स इन सिल्क रूट. देर वर मैनी किंग्स एंड किंगडम्स. तो दे यूज़ टू आस्क फॉर सम मनी. वो टैक्स लिया करते थे और इसके बदले में वो इन ट्रेडर्स की रक्षा उन डॉकों से किया करते थे. तो आप सोचो, यहाँ से लेके चले हैं वो, रास्ते में खाने पीने का खर्चा, और जितने राज्य जितने रूट आएंगे वहाँ पे वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनको वो कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे, वो उनकी रक्षा करते थे. इस तरीके से ये सिल्क को वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप में बेचा करते थे. अब सोचो कितना ज़्यादा इनको गिफ्ट देना पड़ता था, और इससे सिल्क का रेट बहुत हाई हो गया था, इसलिए सिर्फ रिच पीपल ही उसको पहन पाते थे. ये फैशन और रईसी के लिए जाना जाता था.
ओके, सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉड बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट. इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम. ओके, आई हैव टोल्ड यू द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान. तो जो कुशान थे उन्होंने सबसे ज़्यादा रूट को कंट्रोल किया. हु रूल्ड सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 years से, वो लगभग 2000 सालों तक उन्होंने उस पर शासन किया. देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर्स वर पेशावर एंड मथुरा. तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम. ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर. ओके, द कुशांस वर एमंग द अर्लिएस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड क्वाइंस. दीज वर ऑल्सो यूज बाई ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट. ओके, वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ड्स अलॉन्ग द सिल्क रूट्स. अच्छा, आपको रिवर क्रॉस करना है, आपको माउंटेन क्रॉस करना है, बर्फ भी मिलेगी, तो इस तरीके से गाड़ी ले जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था. सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी. ठीक है, ट्रेसर रूट. ओके, अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन नेक्स्ट क्लासेज. द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 years ago, मीन्स अबाउट 100 AD. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwaghosh, a poet who composed a biography of the Buddha Charit. I repeat, it was Ashwaghosh, okay, who wrote the biography of Buddha. What is the name of his composition? Buddha Charit. You must remember these facts. Okay. And other, Buddha Charit lived in the court. Ashwaghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. तो ये लोग किस में लिखना शुरू किया? संस्कृत में लिखना शुरू. I repeat, Kanishk was a Kushan ruler. He ruled about 100 AD. Ashwaghosh was his poet of his court. Ashwaghosh wrote Buddha Charitra, that is the biography of Lord Buddha. Okay, a new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism. Okay, now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculptures by using certain signs. ठीक है, Mahayana जो है Buddhism का जो एक सेक्शन है, एक पार्ट है, वो इस टाइम पे डेवलप हुआ. तो उसमें क्या होता था, पहले जो बुद्धिज्म था उसमें लॉर्ड बुद्धा को शो करने के लिए किसी सिंबल का यूज़ करता था. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे पीपल ट्री बनाया गया. व्हाई पीपल ट्री? बिकॉज लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट अंडर द पीपल ट्री, दैट्स वाई यहाँ पे पीपल ट्री बना दिया गया. ओके, but in Mahayana they started to make the statues of the Lord Buddha. Okay, Mahayana mein kya hua, unhone statues banana shuru kar diye. Many of these were made in Mathura, aur Mathura, as I have told you in previous chapter, Mathura was famous for his crafts. To wahan pe stones ke dher sare saman bante the, wahan pe zyadatar Buddha ki statues bani. While others were made in Takshila, और Takshila में बनी. The second change was a belief in Bodhisattvas. Okay, you must know who were Bodhisattvas. These were supposed to be persons. These were supposed to be persons who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattvas became very popular.
एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान. आई रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इन महायान बिफोर महायान दे डिड नॉट मेक स्टैचूज ऑफ बुद्धा. टू शो प्रेजेंस ऑफ बुद्धा दे यूज टू यूज साइंस सिंबल्स एज पीपल ट्री और एनी अदर साइंस और सिंबल्स. बट इन महायान दे स्टार्टेड टू मेक स्टैचूज. इट बिकेम वेरी पॉपुलर. देन इट केम द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास. हु वर बोधिसत्वास? द पीपल हु हैड सक्सीडेड टू गेन इनलाइटनमेंट. जिनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी उनको बोधिसत्व कहा जाता था. और वो बोधिसत्व क्या करते थे? वो अकेले रह सकते थे, मेडिटेशन कर सकते थे. बट उन्होंने अकेले रहने की बजाय सोसाइटी में रहना पसंद किया और लोगों को शिक्षा देना शुरू किया. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आओगे बोधिसत्वास कौन थे. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड और आउट ऑफ हिल्स टू फॉर मॉन्क्स टू लिव इन. ओके, तो ये तो मैंने बताया था मॉनेस्ट्रीज बनाई गई केव्स को काट काट के. सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स. दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स. रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस ट्रेडर्स प्रोबेबली. ओके, दीज वर सम स्टैचूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा मेड इन अर्लियर डेज ड्यूरिंग द टाइम वेन महायान सेक्टर स्टार्टेड. ओके, हाल्टेड इन दीज केव्स मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स. वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन प्रीवियस चैप्टर्स. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया. सो अगेन श्रीलंका थाईलैंड म्यांमार एंड अदर साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया. द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द थेरावाद बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरियाज. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर द फैक्ट. द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स. एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंस लैंड इन कारवांस एंड सिर्फ पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम. उनके साथ पिलग्रिम्स भी जाया करते थे. पिलग्रिम्स कौन हुआ करते थे? मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेज इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. पूजा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे पवित्र जगहों पे जाया करते थे. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाइयान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो. वैन सांग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो. एंड आई क्यांग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर वैन सांग. दे केम टू विजिट प्लेसेज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज. ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट जब ये लोग ये पिलग्रिम्स यहाँ पे आए तब तक जो बुद्धिज्म था वो जापान चाइना साउथ कोरिया यहाँ सब बहुत ज़्यादा फैल चुका था. ठीक है, तो ये लोग ऐसे जगहों पे आते थे, वो जगह देखना चाहते थे जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पे उपदेश दिया, जहाँ पे उनका घर था, जन्म हुआ, ये सब देखने के लिए वो इंडिया करते थे. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑन हिज जर्नी. दे रूट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टू केयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम. हाउ फाइयान रिटर्न टू चाइना. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. फाइयान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल. फाइयान बंगाल से अपने जो है चाइना की यात्रा वापसी की शुरुआत करता है. ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स. दे हैड बेरली ट्रेवल्ड फॉर टू डेज व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म. द मर्चेंट्स बिगेन लगभग दो दिन यात्रा करने के बाद वो एक तूफान में फंस गए. द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्केंटाइज ओवर बोर्ड सो दैट टू लाइटन
द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। ठीक है, जो भी व्यापारी थे सबने अपना अपना सामान फेंकना शुरू किया जिससे कि नाव हल्की हो जाए और डूबे ना। फायन थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है, वो जो सामान लिया हुआ था उसको उसने फेंक दिया, बट क्लंग टू हिज बुक एंड द स्टैचूज ऑफ बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। लेकिन अपनी किताबों को और जो लॉर्ड बुद्ध की वो स्टैचू लिया हुआ था उसको नहीं फेंकता है। फाइनली द स्टॉर्म सब्सिडाइज आफ्टर 13 days, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सीन। और 13 दिन बाद तूफान समाप्त होता। सोचो कितना डिटरमाइंड था फायन, हाउ मच ही लव्ड बुद्धिज। ओके, द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China। ठीक है, कोलकाता से चला तो वो जावा में रुका था और वहाँ लगभग 5 months रुकता है, उसके बाद वो चाइना को जाता है। When some who took the land route back to the China through the north west and central Asia carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood means चंदन से एंड ओवर 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses। ओके, लगभग 20 घोड़ों पर वो 600 किताबें लाद करके चलता है। ओवर 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। ठीक है, capsized। तो जब वो नाव वहाँ पे डूब जाती है तो लगभग 50 manuscripts उसकी गायब हो जाती, खराब हो जाती। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। आप सोचो कितना बड़ा डेडिकेशन था। चाइना पहुंचने के बाद उसने अपना सारा जीवन सिर्फ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। यहाँ से जो कुछ वो लेके गया उसका ट्रांसलेशन करने में उसने पूरा जीवन बिता दिया। हाउ डेडिकेटेड ही वॉज। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। वेन सॉन्ग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडींग इन नालंदा। ठीक है, बिहार। तो इट मे बी आस्क द क्वेश्चन वेदर वेन सॉन्ग हैड स्टडीड इन नालंदा और नॉट। वेन सॉन्ग नालंदा में पढ़ा था या नहीं? तो यस, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। यहाँ जो टीचर्स थे वो बहुत टैलेंटेड थे। दे फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। ठीक है, जो बुद्धा ने सिखाया, जो टीचिंग्स थी उनकी, वो अपने जीवन में उसका पालन करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। ठीक है, लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। ठीक है, बाहरी जगह के लोग, दूसरी जगह से लोग अपने डाउट्स को यहाँ पे सेटल करने आते थे। अगर उनको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता था तो वो यहाँ नालंदा आते थे और उन्हें उनके प्रश्नों का जवाब मिलता था। द गेट कीपर्स आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो वहाँ आता था उससे वो, जो वहाँ गेट कीपर्स होते थे वो इतने ज़्यादा लर्न्ड होते थे, वही उनसे क्वेश्चंस करते थे और अगर वो उसका जवाब दे पाता था तभी उसको अंदर जाने की परमिशन थी। 7 or 8 out of every 10 मीन्स 10 में से 7 या 8 लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी सिर्फ 2-3 लोग ही उसका उत्तर दे के अंदर जा सकते थे। द बिगनिंग ऑफ भक्ति, दिस वॉज also the time when the worship of the certain deities which became a central feature of the later Hinduism gained in the importance। ठीक है, यही वह काल था जबकि कुछ deities की जो है पूजा अर्चना शुरू हुई। These deities included Shiv, Vishnu and goddess such as Durga। ठीक है, Shiv, Vishnu और goddess, तो Durga, तो ये लोग कब भक्ति मोमेंट में इनकी पूजा शुरू हुई। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time। Bhakti,
इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डेटी. यस, भक्ति मीन्स क्या होता है? कोई भी आदमी जो अपने ईश्वर के लिए समर्पण रखता है वही उसकी भक्ति होती है. एनी बॉडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति. ठीक है, कोई भी आदमी जो अमीर गरीब ऊंचा नीचा कोई भी हो वो भक्ति कर सकता है. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता अ सेक्रेट बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत. तो भागवत गीता कहाँ का पार्ट है? महाभारत का पार्ट है. ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत. इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल. दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो उसमें ईश्वर कहते हैं तुम सब कुछ भूल के सिर्फ मुझ में समा जाओ जो है. तो यही होता है कि 100% डिवोशन जो है भक्त का भगवान के प्रति हो जाता है. ये भक्ति होती थी. दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस. यानी बल करने की अपेक्षा वो अपने ईश्वर को जिसको तुम मानो उसके लिए समर्पण रखो. यही उनकी सीख थी. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ इफ अ डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट द डेटी विल अपीयर इन फॉर्म इन विच ही और सी मे डिजायर. ठीक है, जिस भी रूप में वह ईश्वर को मानता है उसकी पूजा करता है उसी रूप में ईश्वर उसके सामने प्रकट होते हैं. सो द डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बींग्स लायन ट्री और एनी अदर फॉर्म. ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि जो ईश्वर होते हैं या तो वो इंसान होंगे या तो लायन होंगे या तो ट्री होंगे या फिर और किसी फॉर्म में. आप देखो जो हमारे सीरियल्स हैं भक्ति सीरियल्स जो आते हैं उसमें भी ईश्वर के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं. कहीं उनको वराह बनाया गया, कहीं उनको मछली बनाया गया है. ठीक है, कहीं उनको कछुआ बनाया गया, कहीं उनको पेड़ से निकलता हुआ दिखाया गया. इस तरीके से माना जाता है जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखोगे उसी रूप में वो आपके सामने आएंगे. आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज. और इस तरीके से आर्टिस्ट ने उनकी इमेजेस बनाना शुरू कर दिया. भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज. भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर, जिसको भाग कहते हो आप. ठीक है, तो संस्कृत में उसको भज बोलते हैं. ठीक है, दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिओटी. यस, मतलब क्या हुआ? हिस्सा, यानी तुम उस ईश्वर का ही हिस्सा हो. जो भक्त जिस भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो भक्त उसी भगवान का ही हिस्सा है. ओके, भक्ति इज डिस्क्राइब टूवर्ड्स भगवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड. गॉड को भगवत कहा गया, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पॉजेसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लेस. और इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है कि वो जो है भाग्य बनाता है, यानी किसी का भाग अच्छा या बुरा जो बनाता है वही भगवत होता है. द डिओटी नोन एज द भक्त और द भागवत शेयर्स हिज और हर चूजन डेटीज भाग. ठीक है, और जो जिस ईश्वर की प्रार्थना करता है वो उसी का हिस्सा होता है. ओके, बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स. ठीक है, ये ईश्वर जो है बहुत समर्पण होता था. ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत होती थी, स्पेशल होते थे, उनके लिए बहुत सम्मान था. तो उनको एक अलग होम में रखा गया जिसको बाद में मंदिर कहा गया. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट्स स्कल्पचर्स पोएट्री एंड आर्किटेक्चर. और ये जो भक्ति मूवमेंट था, जो भक्ति थी, इस भक्ति में ढेर सारी स्कल्पचर्स पोएट्री और आर्किटेक्चर, यानी कुछ मूर्तियाँ बनाई गई, कुछ कविताएँ लिखी गई, कुछ गीत लिखे गए. ठीक है, ये सब चीज़ें. हिंदू हिंदू क्या होता है, जैसे कि द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डेराइव फ्रॉम द रिवर इंडस. ठीक है, इंडस रिवर से ही हिंदू निकला हुआ है. इट वॉज यूज बाई अरब्स एंड ईरानियंस. अरब्स और ईरानियंस द्वारा इसका यूज़ किया जाता है. टू रिफर द पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, यानी इंडस रिवर के जो ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने इंडू कहना शुरू किया. इंडू से वो हिंदू हो गए. ठीक है,
जैसे हिंदुस्तान बढ़ा। एल्सवेयर देखते हैं और कहीं कहाँ क्या हो रहा है। अबाउट 2000 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी इमर्ज होती है। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलेहम विच वॉज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर में था। क्राइस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वॉज द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो ही मीन्स गॉड जो है संसार का रखवाला है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट एज दे देमसेल्फ वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड। और क्राइस्ट का ये भी कहना था कि लोगों से प्रेम करो, उन पर विश्वास करो, उनसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए करना चाहते हो। Here are a few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ. तो क्रिश्चियनिटी की holy book क्या है? Bible. Bible में कुछ verses लिखे गए हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, गीत हैं, कुछ lines हैं, poem हैं, देखते हैं। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. वे लोग महान हैं, आशीर्वाद हैं उन पे जो लोग सही चीज़ के लिए हम भूखे रहते हैं और प्यासे लगते हैं। फॉर दे सेल बी फिल्ड, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे सेल ऑब्टेन मर्सी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे सेल सी गॉड। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे सेल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। ठीक है, यानी वो लोग महान हैं जो सही के लिए भूखे रहते हैं, वो लोग महान हैं और बाद में ईश्वर उनको सब कुछ देता है। वो लोग जो दूसरे पे दया करते हैं उनको दया मिलती है। वो जो जिनका हृदय साफ होता है, ठीक है, वो ईश्वर का दर्शन करते हैं। वे लोग जो शांति बनाते हैं उनको ईश्वर का भगवान सॉरी ईश्वर का बेटा कहा जाता है। ये सारी लाइंस बाइबल की हैं। क्राइस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और ये ऑर्डनरी लोगों को ये बातें समझ में आती हैं और ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में फैल जाता है। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 ईयर्स ऑफ द क्राइस्ट डेथ। ये देखो तो वहाँ का एक क्रिश्चियन प्रीचर जो था वो कहाँ आया? वेस्ट एशिया से टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे आया, यानी केरला, विद इन 100 ईयर्स ऑफ द क्राइस्ट। और ईसा मसीह के मरने के 100 साल के अंदर ही वो आया था। मींस क्रिश्चियनिटी एकदम नई नई ही शुरू हुई थी, अबाउट 100 टू 150 ईयर्स तभी जो है, या अबाउट 100 टू 200 ईयर्स तभी जो है वहाँ से वेस्ट एशिया से एक टीचर केरला में आता है। द क्रिश्चियंस ऑफ द केरला नोन एज द सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से आए हुए थे तो उनको सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है। आर एमंग द ओल्डेस्ट क्रिश्चियंस कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, चूँकि ईसा मसीह के जन्म से 100-200 साल के अंदर ही यहाँ आ गए थे। ठीक है, और तब तो इतना कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, हर चीज़ बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगा क्रिश्चियनिटी को फैलने में। और तभी जो है केरला के जो क्रिश्चियंस हैं उनको वर्ल्ड्स के ओल्डेस्ट क्रिश्चियंस में से एक माना जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।